गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ड्राइंग क्लास एंड आई एम योर ड्राइंग टीचर कोमल गोयल। बच्चों, इस वीडियो में हम आपको कलर मिक्सिंग और स्ट्रोक के बारे में बताएंगे। तो फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन यू मिक्सिंग ऑफ कलर्स, कि कलर को हम लोग कैसे मिक्स करते हैं, किस प्रकार हम दो प्राइमरी कलर्स को मिलाकर एक सेकेंडरी कलर बना सकते हैं। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, कलर्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी कलर्स एंड सेकेंडरी कलर। प्राइमरी कलर के अंतर्गत रेड कलर, येलो कलर और ब्लू कलर आते हैं। किन्हीं दो प्राइमरी कलर्स को मिलाकर जो तीसरा कलर बनता है, उन्हें हम सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। जैसे बच्चों, इस पिक्चर में हम रेड कलर, जो कि हमारा एक प्राइमरी कलर है, येलो कलर, ये भी हमारा प्राइमरी कलर है, इन दोनों को मिला के एक कलर बना रहे हैं, जो बना हमारा ऑरेंज कलर, ये हमारा सेकेंडरी कलर है। वैसे ही येलो और ब्लू कलर को मिला के ग्रीन कलर बन रहा है, रेड और ब्लू कलर को मिला के वायलेट कलर बन रहा है। वाटर सोल्यूबल कलर्स मीन्स ऐसे कलर जो पानी में घुलनशील होते हैं, पानी से बनते हैं। वाटर कलर, पोस्टर कलर्स, एक्रेलिक कलर्स, ये सभी कलर्स पानी की हेल्प से बनते हैं, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस होता है। वाटर कलर क्या होते हैं, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। जब इनको पानी के कलर्स पानी के साथ मिलाया जाता है और कलर किया जाता है, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। पोस्टर कलर वो स्मूथ होते हैं, मैटे के होते हैं और ऑप्क्यू मीन्स अपारदर्शी होते हैं। जब इनको कलर किया जाता है तो दूसरी तरफ हमारा पेज नहीं दिखता है। एक्रेलिक कलर्स ये बहुत तेज़ी से सूखते हैं, फास्ट ड्राइंग कलर्स होते हैं और ये वाटर रेसिस्टेंट भी होते हैं, मीन्स जब ये सूख जाते हैं तो इन पे पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बच्चों, अब हम स्ट्रोक के बारे में कुछ जानते हैं। बच्चों, कई बार हमने ड्राइंग बनाते समय शेडिंग की होगी, इसी शेडिंग को हम स्ट्रोक कहते हैं। लाइट और डार्क शेड्स को यूज़ करने से जो हमारी ड्राइंग होती है वो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, और इसी स्ट्रोक को बनाने के लिए हम कई तरह की पेंसिल्स का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, HB पेंसिल, 2B पेंसिल, 4B, 6B एंड 8B। ये HB पेंसिल से जब हम शेड करते हैं लाइट कलर में आता है, सेकेंड बी से करते हैं उससे हल्का सा डार्क हो जाता है, 4B से और डार्क, 6B से और डार्क एंड 8B से बहुत डार्क कलर आता है। तो आइए कुछ शेडिंग की हम प्रैक्टिस करते हैं। शेडिंग की प्रैक्टिस हम कई तरह से कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट से एंड तक एक ही टोन में शेड करके, या स्टार्टिंग में लाइट टोन और लास्ट में डार्क टोन में शेड करके। इसको हम रिवर्स करके भी कर सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में डार्क टोन और लास्ट में लाइट टोन, फिर स्टार्टिंग विद लाइट टोन, डार्क इन द मिड वे एंड एंड विद लाइट टोन। स्टार्टिंग में लाइट टोन, फिर बीच में डार्क एंड फिर लास्ट में लाइट टोन करके हम शेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने कलर को कैसे मिक्स करते हैं और कलर्स के स्ट्रोक के बारे में पढ़ा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एंड डू प्रैक्टिस ऑफ स्ट्रोक्स। जय हिंद।